नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज है हमारे अपने सुपरस्टार अक्षय कुमार सर का जन्मदिन। तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से अक्षय सर को जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि वह जीवन में हमेशा ही ऐसे फिट और हिट रहे और उनके आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेस हासिल करें। तो दोस्तों, जैसे कि आज अक्षय कुमार सर का जन्मदिन है, तो कल से ही जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हैं ट्विटर पर लगे थे और हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार का ट्रेंड ट्विटर पे किए जा रहे थे। मैं भी रात में 1 बजे तक एक्टिव था और मैंने भी दबा के ट्वीट किए थे हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार के, और नंबर 1 पे आ चुका था ट्रेंडिंग में हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार। तो अब अक्षय कुमार ने अपने फैंस की इतनी ज़्यादा मेहनत देखी कि कल रात से सबके सब लगे हुए और ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, तो अब इन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया जाए। और अक्षय कुमार ने आज सुबह सुबह जितने भी फैंस हैं सबको एक बड़ा गिफ्ट दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने आज अनाउंस कर दी उनकी अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की बायोपिक होने वाली, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो इससे पहले टीवी सीरियल पृथ्वीराज चौहान भी बना चुके हैं। दोस्तों, खबर आ रही कि इस फिल्म में जो लीडिंग एक्ट्रेस है वो रहने वाली है मानुषी छिल्लर। जी हाँ दोस्तों, ये रूमर्स कुछ दिनों से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए कि अक्षय कुमार के अपोजिट कौन आएगी। हालांकि जो भी एक्ट्रेस आए ठीक है, हमें तो अक्षय कुमार को देखना है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान के साथ ही 2020 के सभी त्यौहार बुक कर लिए। जी हाँ दोस्तों, इस साल तो अक्षय कुमार की 4 फिल्में आई थी। पहली थी केसरी, दूसरी आई मिशन मंगल, तीसरी आएगी हाउसफुल 4, जिसका भी आज शायद फर्स्ट लुक आ सकता है। उम्मीद है नाडियाड वाला सुन ले हरामी, कब से तो उसको टेक करके बोल रहे हैं। इसके बाद फिर गुड न्यूज़ आएगी दिसंबर में, लेकिन 2020 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अक्षय कुमार की 4 फिल्में अनाउंसमेंट हो गई। पहली आएगी अपनी कौन सी, सूर्यवंशी, मार्च में रिलीज होगी। उसके बाद ईद पे आएगी लक्ष्मी बम, मतलब ईद अक्षय कुमार के पास। उसके बाद दिवाली पे आएगी पृथ्वीराज चौहान, मतलब दिवाली भी अक्षय कुमार के पास। उसके बाद साल के आखिर में यानी क्रिसमस में आएगी बच्चन पांडे, यानी कि अक्षय कुमार के पास क्रिसमस भी, ईद, दिवाली, क्रिसमस, ADX पूरे त्यौहार अक्षय कुमार ने बुक कर लिए। तो अब दोस्तों, जितने भी अक्षय कुमार के फैंस रोते रहते थे कि अक्षय कुमार फेस्टिवल पे फिल्में रिलीज नहीं करते, तो लो भैया, अब 2020 में सभी की ख्वाहिश पूरी होगी। सभी फिल्में ADX यानी ईद, दिवाली, क्रिसमस पे आ रही है, और दूसरी बात, सभी फिल्में एक्शन वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अक्षय कुमार के फैंस एक्शन के लिए भी काफ़ी रोना रो रहे थे कि अक्षय कुमार एक्शन फिल्में नहीं कर रहे। तो अब तो यहाँ पे बच्चन पांडे भी एक्शन है, पृथ्वीराज चौहान भी एक्शन है, और सूर्यवंशी तो एक्शन का बाप है। तो ये कह लीजिए कि अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं उनके लिए 2020 बड़ा कमाल का होने वाला, और अक्षय कुमार के लिए तो रहेगा। और 2020 में अक्षय कुमार बॉलीवुड में नया इतिहास रचेंगे। 4 फिल्मों के साथ मिनिमम 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं, बस फिल्मों का कंटेंट अच्छा हो और फिल्में लोगों को पसंद आ जाए। तो दोस्तों, फिर से अक्षय कुमार सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर से दुआ देते हैं कि वो हमेशा जीवन में खुश रहे। वैसे दोस्तों, 2020 में आने वाली लक्ष्मी बम, सूर्यवंशी, बच्चन पांडे और पृथ्वीराज चौहान में आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।